आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक ऐसी मज़ेदार चीज़ की वीडियो लेकर आई हूँ जिससे कि अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो आपकी त्वचा का जो भी रूखापन है वो भी दूर हो जाएगा और स्किन के अंदर ग्लो आएगा और इसमें बनाने में आपको कोई खर्चा भी नहीं लगेगा और समय भी बचेगा और ये बहुत ही जल्दी बनने वाला है। तो चलो हम वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने अपनी बालकनी में ऐसा एलोवेरा का पेड़ लगा के रखा है। मैंने 3-4 एलोवेरा लगा के रखे हैं। जो एलोवेरा होता है वो हमारी स्किन के लिए और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेकारक है, तो इसको हमें हमारी बालकनी में ज़रूर लगाना चाहिए। तो देखो, ये मैंने एलोवेरा को कट कर लिया है। बस एलोवेरा को आपको कट कर लेना है और उसको धो के मैंने पोंछ के रख लिया है। ये इतना मोटा है, बस आपको इतना मोटा एलोवेरा लेना है और मैंने इसको साइड से ऐसा कट कर लिया है और उसके छिलके उतार लेंगे हम, जैसे हम लौकी वगैरह छीलते हैं ना उसी तरह इसके छिलके उतार लेने हैं। और ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ट्रांसपेरेंस जैसा, और इसमें से जेल निकलती है और ये थोड़ा चिपचिपा सा रहता है और इसकी जो जेल रहती है वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही फायदेकारक रहती है। तो चलो हम इसके अभी जेल निकाल लेते हैं। बस इसको ऐसा कट करना है और धीरे धीरे करके इसकी जेल निकाल लेनी है। और फ्रेंड्स, मैं जो भी रेसिपी लेकर आती हूँ मेरी रेसिपी बहुत ही ऐसे आसान रहती है और इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है। आपको बाहर से कोई चीज़ लानी भी नहीं पड़ती है, जो कि अपने घर में ही मौजूद रहती है, वैसी चीज़ों से ही मैं अपना वीडियो बनाती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जो मैं इतने दिनों से उपयोग में ले रही हूँ वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँ, इसलिए मैंने इसका वीडियो शेयर करा है। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने चारकोल और मुल्तानी मिट्टी का सोप बनाया था, उसका भी मैंने वीडियो शेयर करा था। वो सोप भी अपनी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, अपनी स्किन को एकदम हेल्दी रखता है। देखो, ये इस तरीके से ट्रांसपेरेंट दिख रही है। और आजकल एलोवेरा हमें अपने आसपास में बड़ी आसानी से मिल जाता है। इसको बस इस तरीके से हमें टुकड़े कर लेने हैं और ये इतनी अच्छी लगती है, जैसे हाथ में पकड़ो तो ऐसे फिसल जाएगी। ये बहुत ही ऐसे स्मूथ रहती है। तो इसको हमें एक मिक्सर के जार में डालेंगे और इसका जैसे हम चटनी बनाते हैं ना उसी तरह से हमें इसको पीस लेना है। मिक्सी में हम थोड़ा सा इसको चलाएंगे और इसमें हमें पानी नहीं डालना है, क्योंकि एलोवेरा ही एक इतना पतला जेल बनता है कि इसमें पानी डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो ये मेरी वीडियो है, मैं पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है। ये मैंने सोप बेस लिया है। जैसे हम सोप बेस अपने आसपास के जो जनरल स्टोर रहते हैं वहाँ से बड़ी आसानी से मिल जाता है और ऑनलाइन भी मिलता है, और ये करीब 200 रुपये के किलो के हिसाब से मिल जाता है। और इसके हम ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कट कर लेंगे और ये बहुत ही ऐसा स्मूथ से कट जाता है। देखो, ये इस तरीके से दिख रहा है, ये हमारे टुकड़े हो गए। और मैंने इसको और अच्छा बनाने के लिए इसमें मैं विटामिन ई की कैप्सूल भी डालूंगी। और ये है हमारी एलोवेरा जेल और कैप्सूल, ये सब सामान हमने इधर रख दिया है। और मैंने गैस के ऊपर में एक बर्तन रखा है, उसके अंदर में हम एक गिलास पानी डालेंगे और गैस को चालू कर देंगे। और उसके ऊपर में हम ऐसा एक बर्तन रखेंगे, इसको हम डबल बॉइलिंग मेथड से बनाने वाले हैं। नीचे पानी गर्म होगा और उसकी भाप से हमारा सूप है वो पिघल के तैयार हो जाएगा। और इसको बनाते वक्त हमें कोई पानी वगैरह का उपयोग नहीं करना है, इसको जब हम पिघलाएंगे तो खुद ही एक लिक्विड जैसा ऐसा पतला घोल बन जाएगा। और ये जो मेरा एलोवेरा जेल था उसको हम इसके अंदर में अभी डाल देंगे। ये 1 कप जितना बना है, 100 ग्राम के जितना है ये। इसको बस हम धीरे धीरे करके डालेंगे और इसको ऐसे चला देना है, ऐसे घुमा देना है, ताकि हमारा जो एलोवेरा जेल और सोप दोनों ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और इसे इसको इस तरीके से हम ऐसा मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर में हम विटामिन ई की कैप्सूल डालेंगे। इसको थोड़ा ऐसा खोल के हम पूरा 2 कैप्सूल इसमें डालने वाले हैं। और फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, और पसंद नहीं आती है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हो। और मेरी चैनल पर आप नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के अंदर में शेयर कर देना। और देखो, हमने दोनों कैप्सूल अच्छे से डाल दी है। फिर से हम इसको थोड़ा सा ऐसा चला लेंगे ताकि जो हमने कैप्सूल डाली थी वो सब अच्छे से मिक्स हो जाए।
और साबुन को अच्छा कलर देने के लिए मैंने जो खाने वाला फूड कलर रहता है वो एक चुटकी के जितना डाला है, 1 पिंच जितना, क्योंकि साबुन हमारा जो बन रहा है बिल्कुल ही जैसे हम दुकान से लेके आते हैं, शॉप से लेके आते हैं, वैसा ही साबुन बनने वाला है। तो ये हमारा घोल है, इसको हमने ऐसे साइड पे रख दिया है और इसको हम अभी ऐसे मोल्ड के अंदर में डाल देंगे। मेरे पास सोप बनाने का कोई मोल्ड नहीं है, इसलिए मैंने इस तरीके की कटोरियाँ ली है। ये मैंने एक केक का लिया है, जो केक आता है ना 10 रुपये वाला, उसका केक निकाल लिया, उसके बाद में जो ये मैंने इसको रख लिया था तो उसके अंदर में हम बनाएंगे। और हमारा साबुन अच्छे से डीमोल्ड हो जाए उसके लिए मैंने इसके अंदर में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगाया है, आप चाहे तो वैसलीन भी लगा सकते हो। बस इसको अच्छे से ऐसा ग्रीस कर लेना है ताकि जब हमारा साबुन निकलेगा तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोग है ना मेरा बताया हुआ तरीका से एक बार सोप बना के ज़रूर देखना, फिर मुझे कमेंट करके बताना कि मेरा सोप था वो आपको कैसा लगा, आपकी स्किन में कितना इससे फर्क पड़ा है वो भी बताना। देखो ये हमने सब ऐसे अच्छे से उसको ग्रीस कर लिया है और ये सोप बनाने में करीबन हमको 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये बहुत आसानी से एकदम बन जाता है। इसको हम अभी इसके कंटेनर के अंदर में ऐसा डाल देंगे। आपके पास अगर इस तरीके की कोई कटोरी नहीं है तो आप नॉर्मल जो स्टील की कटोरी रहती है उसमें भी आप बना सकते हो, कोई प्लास्टिक की डब्बी रहेगी उसमें भी आप बना सकते हो। और ये सबको हम 1 घंटे के लिए ऐसा रख देंगे ताकि अच्छे से जम जाएगा। तो मैंने 1 घंटे के लिए इसको रख दिया है। चलो अभी 1 घंटा हो गया है तो इसको हम अभी डीमोल्ड करके देखते हैं हमारा सोप अच्छे से बना या नहीं। तो ये देखो हमने ऐसा उसको करा धीरे से, वाव दिख रहा है ना, परफेक्ट एकदम दुकान के जैसा, जैसे हम लेके आते हैं ना कंपनी वाला सोप उसी के जैसा दिख रहा है। और इसकी खुशबू भी अच्छी आ रही है। ये देखो मैंने दूसरा भी निकाल लिया है। आपके पास में जो भी कटोरी अवेलेबल रहेगी उससे आप इसको बना सकते हो। मेरे पास ऐसी ही कटोरियाँ थी तो मैंने इसमें बनाया है और देखो ये कितने सुंदर दिख रहे हैं, कोई इसको नहीं बोल सकता है कि ये घर में बना है। अगर हम घर में ही इतने बड़े आसानी से ऐसे सोप बना सकते हैं तो फिर हम मार्केट में इतने सारे पैसे क्यों बर्बाद करें। और ये हमारी जैसे हमारे सामने ही बना है तो इसमें कोई केमिकल का भी यूज नहीं हुआ है। और ये देखो बिल्कुल ही बाजार जैसा लग रहा है ना, देखो मैंने आपको इसको एकदम पास से दिखाया है। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको एक लाइक कर देना और साथ साथ मेरे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि मेरी जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। आप लोगों ने मेरी वीडियो पूरी देखी इसलिए आप सबको थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय।